और अभी रिसेंटली कुछ टाइम से आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट विद माय फैमिली विद माय फ्रेंड्स नॉट सोलो बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ सोलो ट्रैवलर सो अभी हम लोग जा रहे थे वाराणसी और गए तो हम लोग रक्षाबंधन के टाइम पे थे विच इज़ आई थिंक इन अगस्त बट या हम लोग लिटरली बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज आई थिंक हम लोग दस पंद्रह साल बाद वापस अपने होम टाउन जा रहे थे इट्स एक्चुअली नॉट आर होम टाउन हम वैसे तो आगरा में ही रहते हैं बट बनारस इट्स लाइक आर बोथ प्लेस तो हम लोग वहाँ जा रहे थे अपनी बुआ के घर पे एंड वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड हम लोगों की ट्रेन थी टुंडला से तो हम लोगों ने सब कुछ पैक पुक करके और मैं दिल्ली से लिटरली एक दिन पहले इसी के लिए आ गई कि बस जाना है तो जाना ही है तो so फाइनली अपना सामान वामान रख के सब देख देख के पैक करके हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पर अब आप सफ़र पे कहीं निकलो और कुछ नौटंकी ना हो ऐसा कभी हो सकता है तो हम लोगों की गाड़ी ही बंद पड़ गई पाँच किलोमीटर पहले स्टेशन से ही तो गाड़ी का बेसिकली पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो हमने जहाँ से बुक किया था लिटरली वी वर वेरी बेस्ड ऑफ फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म बट ऑल द वे जो भी था हमें तो बस पहुंचना था कैसे कैसे तो हम पहुंच गए टाइम से पहले और बस अपने ट्रेन की ओर निकल पड़े रात की ट्रेन थी और इतने टाइम बाद फैमिली के साथ ट्रेन का सफर आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी गो गर्ल की कैसा जाने वाला है फाइनली हम लोग बनारस पहुँच गए एंड आई वॉज टू मच एक्साइटेड बिकॉज हम लोग सुबह सुबह एकदम पहुंचे थे एंड द वेदर एंड द स्काई लुकिंग डैम एस्थेटिक सो so, हमें भैया लोग लेने आने वाले थे आज आई टोल्ड कि मैं अपने बुआ के घर ही हम सब अपने बुआ के घर रह रहे थे तो हम लोग फाइनली स्टेशन से बाहर निकले थोड़ा सा एक्चुअली स्काई लुकिंग टू गुड हम बाहर निकले स्टेशन देखा बाहर से मेरे को इतना याद नहीं है मैं बहुत छोटी थी तब गई थी बट एक्चुअली बहुत बहुत चीजें चेंज हुई हैं और बहुत चीजें अच्छी भी हुई हैं यहाँ पे फाइनली हम लोग अब अपने घर की तरफ भरने लगे हमारा परिवार तो इतना छोटा है नहीं कि सारी भाभी मिलकर हमारे लिए खाना बना सकती सो so, हम सबके लिए भाभीियों ने जो है कुक बुलाए थे और दे मेड सो मच डिलीशियस एंड लवली फूड बिकॉज हम भी आए हुए थे और हमारे भैया भाभी भी आए हुए थे उनके भी गेस्ट आए हुए थे सब आए हुए थे और फाइनली आई थिंक आई डोंट नो कितने सालों बाद बट हाँ मोर देन टेन ईयर्स उतने टाइम बाद पापा और बुआ फर्स्ट टाइम फेस टू तो फेस राखी बांध रहे थे मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था एंड वी वेर फीलिंग सो गुड आफ्टर दैट बर्ट या इट वॉज फीलिंग दैट कान बी एक्सप्लेन इन जस्ट वर्ड्स उसके बाद बुआ ने मम्मी को राखी बांधी टीका किया फिर मेरे भाई के फिर मेरे एंड आई वॉज एक्साइटेड राखी बहुत ही प्रिटी थी जस्ट लाइक अ ब्रेसलेट फिर मेरी बहन के और हम सब फाइनली रेडी हो गए अब चिट चाट करने के लिए कुछ न कुछ बातें चल रही थी अब उतना तो मुझे याद नहीं कि उस टाइम क्या बातें चले थी बिकॉज लिटरली मैं आज जाके ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ बट हम लोग उसके बाद रात को गंगा आरती देखने के लिए रेडी हुए मैं और मेरी बहन ने सेम कपड़े पहने ऐसा नहीं कि हमने ये प्लान किया था बट बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सो so, हम लोग निकल पड़े अपने ई रिक्शा पे गंगा घाट की आरती देखने के लिए क्योंकि आप बनारस आए और वो ना देखा तो फिर आपने क्या ही देखा और हाँ हमने सुना था बनारस बनारस की गलियाँ बट लिटरली स्ट्रीट वॉज वेरी क्लीन नॉट वेरी वेरी ज़्यादा लगा दिया मैंने बट एटलीस्ट बहुत प्रिटी लग रही थी द आर्ट्स द रोड्स एंड ऑल द थिंग्स मतलब वी वर जस्ट इन्जॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट बिकॉज बहुत ही आर्टिस्टिक था बहुत ही हिस्टोरिक था वो सारे चीज़ें और हम लोग फाइनली गंगा घाट की तरफ पहुँच गए यू कैन सी द भीड़ ऑलरेडी क्योंकि शाम का वक्त था और भीड़ इतनी होनी लाजमी थी इस घाट पे कम थी हम लोग अस्सी घाट पे हैं इस पर थोड़ा सा कम था बट अगर आप यही दूसरे घाटों पे जाते जो कि अस्सी घाट एकदम आखिरी घाट है उससे पहले वाले घाटों पे जाते तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है सो so, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं आगे नहीं गए वी एक्चुअली सॉ द होल आए एंड एवरी और लोग यहाँ पर ऑलरेडी नाव में भी देख रहे थे बट आई गेस सबसे पास हो कि आरती की एनर्जी को ऑब्जर्व करना इज समथिंग दैट शुड नॉट बी मिस्ड ह्यो सो या वी वर जस्ट स्टेइंग एंड टेकिंग दैट एनर्जी टू अर्स उसके बाद हम लोग वापस गए एंड वापस जाते समय तो बस हम लोग चल रहे थे या फिर चले जा रहे थे पता नहीं <laughs> फाइनली उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत स्ट्रीट्स पे जाते हुए एक तो मंदिर और देखे थोड़ा सा उस टाइम कोई मेला का टाइम चल रहा था तो वो सब हम लोगों ने बाहर से ही देखा बिकॉज अंदर जाने की इतनी भीड़ में हिम्मत नहीं हो रही थी तो वो सब देख के जो जो मंदिर अच्छे थे बीच बीच में पड़े हम लोगों ने ये मंदिर भी देखा बहुत ही प्रिटी था यहाँ पे आर्ट यहाँ पे पूरा डेकोरेशन वेरी गुड एंड फाइनली ऐसे करते कराते हमने आज का पूरा दिन अपना खत्म किया सो स्टे टून फॉर द डे टू